ओम शांति। जब दादी जी जो है ना बॉम्बे गए हुए थे, तबीयत खराब थी फर्स्ट बारी, मैं दादी को मिलने बम्बई गई थी। और जब गई तो मेरे को दिल में था कि मैं दादी का खूब श्रृंगार करूंगी, तो जो भी श्रृंगार का सामान है वो मैं ले करके गई कि हमारी देवी है वो माँ है, दुर्गा है, शक्ति है। और दादी से प्यार भी बहुत था, दादी का हमारे से बहुत प्यार था। तो दादी को वैसे तो मना था कि कोई भी रूम में नहीं जाना, इन्फेक्शन होगा। इतना प्यार था, दादी ने हमारी बुकें भी ली और जो मैं सामान ले गई थी कहती मुझे पहनाओ, चाहे मुकुट था, माला थी, चुनरी थी, और भी जो भी श्रृंगार के सामान थे सब दादी ने पहना। और पहन के कहती है मुन्नी बहन इसकी फ़ोटो निकालो। लेकिन उस समय कैमरे में रील ख़त्म हो गई थी तो फ़ोटो नहीं निकली। दादी फिर आईने में देखती है कि विद्या ने जो श्रृंगार किया वो कैसा है, तो दादी के हाथ में आईना दिया। मेरे कहने का मतलब है कि दादी जितने प्यार से मैं ले गई थी उतने ही प्यार से दादी ने स्वीकार किया। दादी हर एक आत्मा को संतुष्ट कर देती थी। कई बार ऐसे बात हुई जब और बहनें कहती थी हमारे सेंटरों में ऐसा होता है, नीचे ऊपर होता है, या भाई लोग ऐसा रोब जमाते हैं, कुछ कहते हैं। दादी बहुत प्यार से एक बार गंगे दादी को कह रही थी, गंगे आपको क्या पता मैं कैसे यहाँ रहती हूँ, कैसे सबको संभालती हूँ। जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रह के सेफ रहती है और अपने आप को जख्मी नहीं करती है, मेरे को कभी हट नहीं होता है, और मैं शेरों को संभालती हूँ, शेरों को। तो माना कि वो जैसे दुर्गा माँ शेर को संभालती, शेरों पे सवारी करती और सब काम बना देती थी। मम्मा दादी किसी को नाराज नहीं करती थी, सबको राजी करती थी, संतुष्ट करती थी, पर युक्ति युक्त